शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जल्दी जल्दी आना मेरी प्यारी। आ गई ना। देखो अशोक बाबू, सोनी वापस आती ही शादी कर लो। मैं तो तुम्हारे लिए चाय बनाते बनाते थक गई। इसीलिए बनाती हो? शादी करने के बाद भी भाभी चाय तो आप ही के हाथ से पी। वाह वाह, सोनिया को आ लेने दो, फिर पता चलेगा भाभी की चाय मीठी है या फीकी। आज की नहीं, ताजा खबर, मॉर्निंग पेपर। भाभी चाय लो जल्दी। चाय पीऊं तो पेपर? अरे वाह भाभी, बड़ी मीठी चाय। सच्ची? चम्मच जरा मुझे भी दे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? सोनू नहीं मर सकता। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? अशोक, गोवा जाने वाला जहाज डूब गया। पंचू देखा? जहाज डूब गया? हाँ। कौन सा? कोई यात्रिक नहीं बचा, गोवा जाने वाला जहाज डूब गया। अखबारों की सारी बातें सच्ची थोड़ी होती है, मुझे यकीन नहीं आता। देख हाँ। तू पड़ोस वालों के यहाँ जा, वहाँ पे जहाज कंपनी को टेलीफोन करके सारी बात पूछ के जा। जल्दी जा, जल्दी। हो सकता है ये खबर गलत हो। देखो दिल छोटा ना करो, हिम्मत से काम लो। भैया दुनिया में दुख सुख तो लगे ही रहते हैं, मर्द लोग गम पी जाया करते हैं, रोया नहीं करते, समझे? रोया नहीं करते। सोनू, जानती हो भाभी क्या कहती? क्या कहती थी? बोलो ना भाभी क्या कहती थी। सुन, भाभी कहती थी छोड़ो ना मेरा पल्लू। छुड़ा लो। तुमने गाजू बांध रखी है। खोलना चाहती हो? सोनू, ये गांठ तो मैंने जन्म जन्म के लिए बांध रखी। तुम नहीं जानती सोनू, तुम मेरी जिंदगी हो, और जब तक तुम मेरे साथ हो मैं जिंदगी की कोई बाजी नहीं हारूंगा। मैं हमेशा जीतता रहूंगा। वो फिर जीत गए। और क्या लिखा है रे? और हा? और लिखा है कि अशोक बाबू हिंदुस्तान के चैंपियन लोबो से लड़ेंगे। अच्छा? हाँ। आओ सुनो, कैसी हो दीदी? तार आया है, मेरा बापू बहुत बीमार है, हम आज ही गोवा जाता है। इसीलिए तो आपसे मिलने आई। भगवान चाहे तो सब ठीक हो जाएगा, उनके ठीक होते ही उन्हें बम्बई ले आना। क्यों अशोक बाबू? भाभी जरा सुनो, आपके पास कुछ रुपए हैं सोनू को देने थे। आज तो महीने की आखिरी तारीख है, मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं। सेठ जी से मांग लो ना। नहीं भाभी, सेठ जी के तो पहले ही मुझ पे बहुत एहसान है, काफी रुपए एडवांस ले चुका हूं उनसे। अच्छा, मैं कोई इंतजाम कर लूंगा। नमस्ते। देखो सुन, पहुंचते ही तार दे देना। अच्छा दीदी। जल्दी वापस आने की कोशिश करना सुन, तुम जानती हो तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। तुम्हारे बगैर मैं भी वहां कैसे रह सकती हूँ? जल्दी आने की कोशिश करूंगी। अच्छा, तुम जाकर पैकिंग करो, मैं अभी आता हूं। अच्छा।
कुत्ता फेंको, क्या करते है बे? सलाम लाला। ओए सलाम सलाम अशोक से, कैसे है वाला धर्म अशी? लाला 200 रुपया उधार दे सकते हो? कह को नहीं दे सकता लाला का जान, तुम तो अभी बहुत बड़ा आदमी हो गया, तुमको नहीं देगा तो हम किस लिए इधर? बहुत बहुत शुक्रिया लाला। ओए कोई परवाह नहीं, चलो अभी दिला देता है। अबे तुम बैठो, अभी आते खेलते हैं। देखो अशोक बाबू, सोनी वापस आती है, शादी कर लो। मैं तो तुम्हारे लिए चाय बनाते बनाते थक गई। इसीलिए बनाती हो? शादी करने के बाद भी भाभी चाय तो आप ही के हाथ से पी। वाह वाह, सोनिया को आ लेने दो, फिर पता चलेगा भाभी की चाय मीठी है या फीकी। आज की नहीं, ताजा खबर, मॉर्निंग पेपर। भाभी चाय दो जल्दी। चाय पीऊं पेपर? अरे वाह भाभी, बड़ी मीठी चाय। चम्मच जरा मुझे भी दे लो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? सोनू नहीं मर सकता। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो अशोक? गोवा जाने वाला जहाज डूब गया, मंजू देगा? जहाज डूब गया? हाँ। कौन सा? कोई यात्रिक नहीं बचा, गोवा जाने वाला जहाज डूब गया। अखबारों की सारी बातें सच्ची थोड़ी होती, मुझे यकीन नहीं आता। देख तू पड़ोस वालों के यहाँ जा, वहाँ पे जहाज कंपनी को टेलीफोन करके सारी बात पूछ के आ। जल्दी जा, जल्दी। अशोक, हीरो, हो सकता है ये खबर गलत हो। देखो दिल छोटा ना करो, हिम्मत से काम लो। भैया दुनिया में दुख सुख तो लगे ही रहते हैं, मतलब हम पी जाया करते हैं, रोया नहीं करते, समझे? रोया नहीं करते। हिंदुस्तान की चैंपियन लोबो के अगेंस्ट फिक्स की है। अगर तुम ये मैच जीत सकता तो चैंपियन की हैसियत से तुम्हें ओलंपिक गेम्स में लड़ने का मौका मिल सकता है। ओलंपिक? आई मीन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। तो बहुत बड़ा मैच रखा है क्या? हाँ हाँ, बहुत बड़ा। लेकिन सेठ जी, बात यह है कि अशोक नहीं लड़ सकेगा। क्यों? वो सोनिया थी ना, वो चली गई। चलेगा, वापिस आ जाएगी, उसमें क्या हुआ? नहीं, आप समझे नहीं, उसका जहाज डूब गया है। ओ, बड़े अफसोस की गल है। जैसे भगवान की मर्जी, बंदे की एक भी नहीं चलती। बस उसी का आसरा है। तो फिर तुमने अशोक को यहां क्यों रखा है? उसे बाहर ले जाओ, उसकी तबीयत बहलाओ, सिनेमा में ले जाओ, गेलॉर्ड में ले जाओ, कुछ करो। कोशिश तो करते ही रहते सर जी। क्यों भैया, चलोगे? अशोक, आई एम रियली वेरी सॉरी। अच्छा, मैं फिर आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम। तो
तुम आदमी है के पैजामा फाइस्कोप देखने को पैसा है वाला लाला का कर्जा देने को पैसा नहीं है क्यों लाला अशोक ने तुमसे पैसे लिए थे ओए पूछो पूछो इससे पूछो माशुका को पैसा देने को हमारे पास नाक रगड़ता था पैसा हमारा नहीं देगा उसका पर कोरट का सिगरी लगा तुमको बोला नहीं देगा हमें देता है हमें इसका देगा बोला ना तुमको बाबू से पैसा वसूल नहीं किया तो हमारा नाम लाला टूटेगा नहीं क्या सोच रहे हो पंचू दादा सोच रहा हूँ चोटी की आज वो लाला नहीं छोड़ेगा उसके पैसों का कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा इंतजाम तो यूँ हो जाएगा दादा आज संडे का दिन है कोई ना कोई बकरा मिलेगा जरूर और बकरा नहीं मिला तो मुर्गा कहीं गया नहीं नहीं यार तेरी भाभी से मैंने वादा किया था कि ये बुरे काम मैं हरगिज नहीं करूंगा लेकिन दादा ये बुरे काम हम खुद थोड़ी करते हैं ये तो सब मजबूरी के चक्कर लेकिन फिर भी मासूम भोले भाले आदमियों के साथ 420 करना यार मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन दादा अपने मासूम भोले भाले अशोक का क्या होगा वो बेचारा पहले से दुखी है लाला उसका तख्ता आउट कर देगा एक बच्चा देखा ये नकली हार अब असली के दामों बिकेगा बिकेगा भाई तेरा हार था ना हेड पकड़ता हूं उसको अरे ओ हेड हेड अरे खाली को पकड़ता तुमको हमको मिला ना हम नहीं देगा बोलता तुमको खाली मिला बोला ना हमको मिला हम नहीं देगा बोलता तुमको नहीं देंगे लूटता है तू बच्चों की देख के बोल देता है भाई यहाँ तेरा था ना ना साईं मुझे नहीं है देखा भाई तेरा नहीं मगर देखा तो तुमने था ना देखा तुमने उठाया इसने धर्म के नाते आधा आधा हो गया बड़ी धर्म कहाँ कल जुग में साईं अरे पर बिजनेस तो है ना कैसी बातें करती है देख बे माई ने हाथ देखा देखा तूने उठाया उठाया माई के साथ आधो आध कर ले वरना थाने ले चलता हूँ नहीं नहीं आधा आधा कर लो माई करते हो मंजूर मंजूर है ले माई देखना जरा इसका वजन क्या हो बड़ी 5 तोले होगा तो लेगा ना मैं भी यही सोच रहा था अच्छा मगर इसको आप आधे आधे करेंगे भाई साहब सुनार के पास चलो अरे सुनार के बच्चे हम क्यों अपने आप को लफड़े में डालता हूँ माई को भी लफड़े में डालता है बात ठीक है यही फैसला हो जाएगा बड़ी साई हमारे पास 200 रुपए हैं। अरे माई 200 रुपए तो बहुत कम होंगे कम से कम 300 रुपए तो होने चाहिए भाई साहब अरे 130 का तो भाव है माई क्या तुम हमको लूटता है भाई साहब तेरे को 130 का भाव चाहिए हाँ चलो थाने में दिलवाता हूँ अरे छोड़ो भाई साहब तुम तो बात बात पे थाने का बात करता लाओ माई खाली पीली बंकस करता लाओ बड़ी खाली पीली हमारा टाइम खराब करता देखो जी इसमें शाही 200 रुपया है तुम बोलो तो हम गिनती करूं थोड़े कहोगे तुम दे दो गिनने की क्या जरूरत है लेवे मगर माई इंसाफ नहीं हुआ है अच्छा नहीं बड़ी जानी बक बक करता है बस ठीक है बस उसके लिए पैसा है ना बड़ी साई क्या बात करता है हमारा कार खड़ा है उधर ओ अच्छा फिर तो मैं किस चीज की कर लो तुम्हें हार मिल गया उस गरीब को 2 पैसे मिल गए अपने का क्या है बड़ी तुम अच्छा आदमी है तुमको भगवान इसका फल देगा अरे सब भगवान का आशीर्वाद है मिला ना नहीं देख तुम शरणार्थी हो पहले था हम शरणार्थी लेकिन अभी तो हमारा 4 फुट है बेटा चार बड़ा बड़ा नौकरी करता है भगवान क्या नौकरी करता है भाई हमारा पहला छोकरा जो है डॉक्टर है दूसरा छोकरा है वकील तीसरा छोकरा ये ओनरशिप पर मकान बनता है ना इनका दलाली करता है और जो चौथा छोकरा है वो तो सबसे ही अच्छी नौकरी करता है बड़ी वो क्या करता है भाई वो पुलिस में इंस्पेक्टर की नौकरी करता है अरे बड़ी तुम काहे को डरता है माई पुलिस का नाम सुन के तो भगवान भी डर जाता है बड़ी कभी जरूरत पड़े तो हमारे घर आना इधर ही रह के करीब में ही धन्यवाद बड़ी क्या आदमी है भैया खेल रहे हो या ओनरशिप के फ्लैट बना रहे हो देखो मुझे विजिट पे भी जाना है चल चलो ये लो हाय मैं मर गई बड़ी लूट गई बड़ी माँ लूट गई पूरे 200 रुपये लूट के ले गए दोनों डाकू इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे बड़ी सगरे मुंह दोनों के पेट में कहीं मिल जाए तो दोनों का मुंह काला कर दूं किसका मुंह काला करोगी मम्मी अरे बड़ी पुट्टू मैं अभी सुनार के यहाँ से आ रही हूँ वो बोलता है ये असली पीतल है
तक रहे मुंह की आंखें फूटेंगे। सीधी बात करो मम्मी, आखिर हुआ क्या है? तो बड़ी क्या मैं टेढ़ी बात करती हूँ पुट, तुम समझता है क्यों नहीं? वो असली सोना नकली दाम, वो पीतल असली सोने के दाम में दे गए सगरे मुए, नरक में जाएंगे सीधे। 420 शुअर 420 का केस है। देख मोती, लूट गए कोई बदमाश मम्मी को। क्या हुआ भैया? छा भैया से छा पूछे है, माँ से पूछ, दुनिया भर में इंस्पेक्टर ही करे है, घर में दिन दहाड़े वो सगरे मुए माँ को लूट के ले गए। बात क्या है मम्मी? छा बात है, तू झाता रहे, जा पुट तू बर्फ लेके आ, जा माँ जा भेजा गरम होवे, जल्दी जा। ए भगवान, पूरे 200 रुपए है, 4 महीने का असली घी, भगवान छा भूल भाई भगवान। अब शांत भी हो जाओ मम्मी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। छा बेटा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वो तो चालू है, एक नहीं दो नहीं चार चार पुट, सब अपनी अपनी धुन में मस्त है, माँ के लिए बड़ी सब बेकार। छा पुट बर्फ। मम्मी मम्मी, आप उन गुंडों को पहचान सकती हैं? अरे पुटू, उन गुंडों को क्या, उनके बाप को भी 5 कोस से पहचान लू। ये बड़ी बड़ी तलवार जैसी मूछ थी, उसको देखने में मेरे जैसा हट्टा पुट्ठू, देखने में बैल जैसा हट्टा कट्टा, हराम का खाने को मिलता है ना सगरे मुंहों को, और वो उसका साथी बिल्कुल बंदर की तरह था, बोलने में पटर पटर पक 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 करके मेरा भेजा खा गया। असल में देखा जाए तो उसी ने चकमा दिया था पुट्ठू, कीड़े पड़ेंगे, नरक में जाएगा, सत्यानाश जाएगा सगरे मुहे का पुट्टा बर्फ। घबराओ नहीं मम्मी, पुलिस के हाथों से वो बच नहीं सकते। बचेंगे कैसे वरी, तू इंस्पेक्टर है तो वरी मैं भी तेरी माँ हूँ, मैंने उन चोरों को जो नोट दिए हैं ना वरी, उन पर सरकारी निशान है। तू चोर पकड़ सकता है तो क्या तेरी माँ एक चोर नहीं पकड़ सकती वरी पुट? मम्मी तुमने, तुम्हें घबराई दिया। अरे पुट, इसमें घबराने की क्या बात है, मैं तो मजाक कर रही थी, नहीं तो क्या मैं जान पूछ के चोरी का माल लेती, मुझे तो पहले ही दाल में काला दिखाई दे रहा था पुट्टू, वो तो शक्ल से पक्के चोर लगते थे, हम सोचा बड़ी आज हम भी चोर पकड़ेगा, जा पुट्टू जा जाके पकड़ ले। अरे पुट्टू बर्फ, हे भगवान, अरे सर पे रखने के लिए नहीं, ठंडा पानी पीने के लिए पुट्टू, छा गुरु छा पुट दिए हैं, चार चारों ही।